बेटा अपनी फूल सी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। जी पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पिंकी का पूरा ध्यान रखूंगा। पापा मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं कैसे रहूंगी वहाँ आपके बिना। अरे बिटिया इसमें रोने वाली क्या बात है, अरे तेरा ही तो घर है ये, जब मेरी याद आए आ जाना मुझसे मिलने या मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अरे ये तो रिवाज है बेटा, एक दिन शादी करके तो हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है और अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। जा बेटा अपनी माँ से भी मिल ले। माँ एक बार तो मुझे प्यार से गले लगा लो, अब तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। चल ज्यादा ड्रामे मत कर मेरे सामने, जा अपने ससुराल बला टली। अब जाओ बेटा आप लोग, हमेशा खुश रहना। अरे कितनी प्यारी बहू है मेरी, आ जाओ बहू, स्वागत है तुम्हारे ही घर में, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। प्रणाम माँ जी। बहू आज से ये घर तेरा हुआ और हम सब भी तेरे, और तुझे कभी भी किसी चीज की कोई भी जरूरत लगे तो बिना संकोच के हमसे बोल देना। जी माँ जी जरूर। और हाँ बेटा मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ, हमेशा अपनी माँ ही समझना मुझे, मैं एक बहू नहीं बेटी लाई हूँ बेटू, आखिर इकलौता बेटा है मेरा, तो बेटे के साथ बेटी भी आ गई। अच्छा अब तुम लोग जाओ अपने कमरे में और आराम करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने के लिए अच्छा सा निकालती हूँ। हाँ माँ बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ लाती हूँ, कपड़े चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आ जाओ डाइनिंग पे। अरे सुबह हो गई क्या? अरे सुबह नहीं मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, 8 बज गई है। 8? क्या 8 बज गई? माँ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, और अगर आप जग गए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? अरे मुझे क्या पता कि तुमको जगाना है, मेरी नींद खुल गई तो मैं उठ गया, जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तुम खुद ही उठ जाओगी, इसमें जगाने की क्या बात है। अरे जी आप समझते नहीं है, मैं यहाँ ससुराल में हूँ, माँ जी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, कैसी बहू है 8 बजे तक सोई रहती है। तुम फालतू में ही चिंता कर रही हो, मेरी माँ ऐसी नहीं है। आप छोड़ो आप नहीं समझेंगे, मैं जा रही हूँ नहाने जल्दी। अरे अरे संभल के आराम से यार, तुम कितनी सुंदर हो। अरे माँ तुम, अरे तुम लोग भी ना, अरे दरवाजा बंद नहीं कर सकते हो क्या? अरे नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ये नहाने जा रही थी पिंकी, गलती से इसका पैर फिसल गया था तो मैंने संभाल लिया, और कोई बात नहीं है। अरे बहू इतनी जल्दी भी करने की क्या जरूरत है, आराम से चलो बेटा, कहीं गिर गए कुछ लग गया तो क्या करूंगी मैं। सॉरी माँ जी पता नहीं मेरी कैसी आंख लग गई आज, सुबह का पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं कभी इतनी लेट तक नहीं सोती, मैं हमेशा 5 बजे उठ जाती हूँ, मेरी माँ हमेशा मुझे 5 बजे उठाती थी। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इतना घबरा क्यों रही हो, और तुम उठने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं समझ सकती हूँ अभी अब तुम्हारी शादी हुई है, थकान हो रही होगी, शादी में कितने काम होते हैं, तुम आराम करो, और मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम दोनों नहा धोकर फ्रेश होकर आ जाओ डाइनिंग पे, सब लोग मिलके साथ में नाश्ता करेंगे। जी माँ जी थैंक यू सो मच, आप सच में कितनी अच्छी हैं, कभी अगर मेरी माँ होती ना तो भगवान जाने। क्या बहू मेरी माँ होती, क्या हुआ माँ को? नहीं नहीं सासू माँ को नहीं बता सकती, नहीं तो क्या सोचेगी मेरी माँ के बारे में। कुछ नहीं सासू जी, बस ऐसे ही निकल गया मुँह से। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। हाँ माँ अभी आया। बहू कुछ कर रही है क्या बेटा? नहीं तो माँ जी बस टीवी देख रही थी, कुछ काम ही नहीं है घर में, सारा काम तो आप कर लेती हैं तो मैं क्या करूँ। अरे बहू जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, अरे कल को जब बूढ़ी हो जाऊंगी बिस्तर ले लूंगी तब तो तू ही सारे काम करेगी, इसलिए भी करने दे मुझे जितना भी मैं कर रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। क्या पिज्जा? हाँ बहू देख पहले तो मैंने सोचा कुछ मीठा मंगा लेती हूँ अच्छा सा, फिर दिमाग में आया कि आजकल के बच्चों को मीठा पसंद कहाँ होता है, आजकल के बच्चे तो वही पिज्जा बर्गर मैंचूरियन यही सब खाते रहते हैं, इसलिए मैंने तेरे लिए पिज्जा मंगा दिया।
ये ले खा के बता तो जरा कैसा है। थैंक यू सो मच माँ जी, बहुत टेस्टी है पिज्जा, मैंने आज तक वैसे भी कभी नहीं खाया पिज्जा। थैंक यू सो मच माँ जी, मेरी पसंद नापसंद सभी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। अरे बहू ये क्या, मैं तुझे जब भी अपना प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो रोने बैठ जाती है, आखिर क्या है ऐसा जो हमसे छुपा रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस माँ याद आ गई। शायद आपको पता नहीं होगा माँ जी, जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था, फिर पापा ने दूसरी शादी की कि दूसरी औरत आएगी तो मुझे पा का प्यार देगी, लेकिन मेरी माँ ने आज तक कभी मुझे प्यार से गले तक नहीं लगाया। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और खुद के बच्चों से कभी एक गिलास पानी नहीं मांगा। बस इसीलिए आंखें भर आई माँ जी आपका प्यार देख के। सच में मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे आपके जैसी सास मिली है। अगर आपके जैसी सास हर किसी को हो तो उसको तो माँ के पास जाने की मायके जाने की जरूरत ही ना पड़े, हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, फिर भी अपनी माँ से कभी नफरत मत करना बेटा। कुछ भी हो लेकिन तेरी यशोदा मैया वही है, उसी ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, नहीं तो तू ही बता मुझे इतनी सुंदर बहू कहाँ से मिलती। आप भी ना माँ जी, और इसीलिए मैं सुबह भी डर गई थी माँ जी। आपको पता है एक बार मैं घर में लेट से सोई गई थी, वो भी मुझे फीवर था, मेरी माँ ने मुझे इतना मारा था कि मेरे पूरे शरीर में फफोले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी माँ जी मैंने कभी अपनी माँ से नफरत नहीं की। हमेशा मन में एक उम्मीद थी कि मेरी माँ आज नहीं तो कल मुझे जरूर अपना लेगी, लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं था और मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। अरे बहन जी आप? हाँ बहन जी, मैं जरा अपनी बेटी से मिलने आई थी, इसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसकी वजह से मैं आज तक रानियों जैसी जिंदगी जी रही थी, मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ, उससे माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो, बस एक बार दिल से गले लगा लो माँ। आजा मेरा बेटा, माफ कर दे मुझे। अरे माँ मैं कभी आपसे नाराज हुई हूँ क्या जो अभी होंगी? आप चिंता मत करो, आप बैठो, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ कि मुझे दो दो माँओं का प्यार मिलेगा, एक सासू माँ और एक मेरी माँ। अरे बस भी करिए आप दोनों, अब क्या मुझे भी रुलाएंगी? आइए बहन जी बैठिए, बहू तुम चाय वगैरह लेकर आओ। जी माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ जी, आज मुझे दो दो माएँ मिली हैं, वो भी एक साथ। हाँ बेटा वो तो है, चलो तुम चाय लेके आना। जी माँ जी। आप मन छोटा मत कीजिए बहन जी, सुबह का भूला कभी शाम को घर आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। आप भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हैं, मुझे पता है ये बात, आप उदास मत होइए और अपनी बेटी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, सभी की सास एक जैसी नहीं होती, सास मेरे जैसी होना तो ससुराल जन्नत होता है जन्नत। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।